द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स टू कापी वन एंड अदर इज शोन इन द पोपुलरिटी ऑफ फैशंस इन क्लोथ्स एंड अदर कंज्यूमर गुड्स डू यू एग्री और डिसग्री सो ये एग्री डिसग्री ऐसे है ठीक है तो आपने अपना एक ओपिनियन चूज कर लेना है कि या तो आप एग्री करेंगे या और या तो आप डिसी करेंगे तो अगर तो आप एग्री करेंगे तो आपने ये मेंशन करना है अपने इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि आपका क्या ओपिनियन है उसके बाद आपने अपने जो बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं वो इसी तरह से आपने लिखने एक्सप्लेनेशन इसी तरह ही देनी है कि आपने अपने इसी ओपिनियन को सपोर्ट करना है ठीक है और उसके बाद आपने अपना कंक्लूजन लिख देना आपका जो पॉइंट है आपका जो ओपिनियन है, है वो क्लियर कट होना चाहिए क्योंकि या तो आप एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे आप सेंटर में नहीं रहेंगे कि क्या आप, क्या आपकी न्यूट्रल स्टेटमेंट है कि एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाहते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर ही ना हो क्योंकि कुछ स्ट्रेंट ऐसे लिखते हैं ऐसे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ही क्लियर नहीं होता वो यहाँ पे तो लिख देते हैं कि या वो एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं लेकिन जब वो अपने बॉडी पैराग्राफ्स लिखते हैं ना तो उसमें समझ ही नहीं आ रही होती इनके एक्सप्लेशन से कि वो चाहते क्या है क्या ना उनकी ऐसा लग रहा होता जैसे न्यूट्रल स्टेटमेंट है कि कहीं पे वो एग्री करें कहीं पे वो डिस एग्री करें इस तरह की वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो एग्जामिनर अपने कमेंट्स में ये मेंशन करते हैं कि अगर तो स्टूडेंट क्लियर नहीं है कि मतलब वो ये कहते हैं कि क्लियर ही नहीं है इनका ओपिनियन समझ ही नहीं आ रही तो इससे आपके बैंड स्कोर इफेक्ट होते हैं आपने ऐसे स्टेटमेंट को पढ़ना है उसके बाद जो भी आपका ओपिनियन है आपने उस ओपिनियन के साथ जो है वो मतलब उसको जस्टिफाई करना है ठीक है आपने सेंटर में नहीं लटकते रहना अब अगर डिस्कशन ऐसे हो तो डिस्कशन ऐसे में हम दोनों साइड्स डिस्कस करते हैं लेकिन एग्री डिसएग्री ऐसे में जो है वो हम अपना क्लियर जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है क्या और आपने भी ऐसे ही करना है ठीक है बीच में न्यूट्रल स्टेटमेंट नहीं देनी कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि आप चाहते क्या